चलिए आज की वीडियो में हम फिर से कुछ और एग्जाम्पल्स या आप कहें कुछ और वर्ब्स लेकर आए हैं और आप लोगों को बताएंगे जो ये बेस वर्ब्स हैं ये जो रूट वर्ब्स हैं इनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनेंगी ये कुछ एग्जैंपल्स हैं कुछ हमने वर्ब्स ली हैं और इनके हम मीनिंग्स भी जानेंगे क्योंकि जब तक हमें मीनिंग्स का नहीं पता होगा कि किस वर्ब किस क्रिया का क्या अर्थ है क्या मतलब है तो हम उसको प्रॉपरली कहीं भी ना टेंस में और ना सेंटेंस में कहीं भी हम उसको यूज़ कभी भी नहीं कर पाते हैं तो हम ये कुछ वर्ब्स हैं इनके सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन करेंगे और उसके बाद में इनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल या आप कहें के इनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में जानेंगे कि वो कैसे बनती हैं, क्या बनती है देखिए फर्स्ट हमारी है, फॉल फॉल मींस गिरना फॉल फेल फॉलन एफ ई डबल एल फेल एफ ए डबल एल ई एन फॉलन नेक्स्ट फाइट लड़ना फाइट फोर्ट फोर्ट जैसे बाई बोट बोट फाइट फाइट फॉर्ट फोर्ट एफ ओ ught fly udna fly flew flown fly flew flown find dhundna find found found feed khilana feed fed fed fling means to throw phenkna fling flang flung f l i n g f l a n g f l u n g fling flang flung forbid मना करना फॉरबिड फॉरबेड फॉरबिडन एफ ओ आर बी ए डी ई एफ ओ आर बी आई डबल डी ई एन फॉरबिड फॉरबेड फॉरबिडन नेक्स्ट फॉरगेट भूलना फॉरगेट गेट फॉर एफ ओ आर जी ओ टी एफ ओ आर जी ओ डबल टी ई एन गेट गोट गोटन होता है फॉरगेट गेट फॉर फॉरसेक व्हाट डू यू मीन बाय फॉरसेक फॉरसेक त्यागना फॉरसेक फॉरसुक फॉर Then फ्रिज जमना फ्रिज फ्रॉज फ्रोजन फाइन जुर्माना जुर्माना लगाना फाइन फाइन फाइंड फाइंड फॉर गिव माफ करना फॉर गिव फॉर गेव फॉर गिवन गिव गेव गिवन फॉर गिव फॉर गेव फॉर गिवन एफ ओ आर जी ए वीई एफ ओ आर जी आई वीई एन देन फॉरबियर मींस टू टॉलरेट सहन करना फॉरबियर फॉरबोर्ड फॉरबोन एफ ओ आर बी आर एफ ओ आर बी ओ आर ई एफ ओ आर बी ओ आर एन ई फॉरबेर फॉरबोर फॉरबोन सी मीन देखना सी सो सीन देन कॉपी नकल करना कॉपी कॉपीड कॉपीड वाई को आप रिमूव कर देंगे आई ईडी एड कर देंगे कॉपी कॉपीड कॉपीड चलिए कुछ एक और एग्जाम्पल्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं कुछ एक और वर्ब्स हैं उनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेंगे क्या बनेंगे ये भी देखते हैं गेट प्राप्त करना गेट गोट गोटन जी ओ टी गोट जी ओ डबल टी एन गोटन नेक्स्ट गो गोमिस्ट जाना गोवेंट गोन गेट गोट गोटन गोवेंट गोन गिव गेव गिवन इस तरीके से आप बड़े अच्छे ढंग से आप थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न कर सकते हैं गिव देना गिव गेव गिवन इसके बाद ग्रो पैदा करना ग्रो ग्रूव ग्रोन जी आर ईडब्यू ग्रूव जी आर ओडब्ल्यू एन ग्रोन देन हैज और हैव दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है रखना हैज मींस रखना हैव मीन्स रखना और हैज हैड 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 हेड ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनती हैं हैज से बनेंगी हेड हेड और हैव से हैव हेड हैड हाइड छिपना हाइड हिड हिडन बैंड मुड़ना बैंड bent, bent. डी की जगह टी लग गया बैंड bent, bent. देन ड्राई सुखाना ड्राई dried, dried. वाई को आपने रिमूव कर दिया आई ईडी एड कर दिया ड्राई dried, ड्राइड देन क्रो बांग देना क्रो C-R-O-W. Crowd, ये पहले से ही था आपने ईडी e एड कर दिया देन लुक लुक मींस देखना लुक लुकड लुक्ड लुक पहले से था और आपने ईडी e एड कर दिया लुक मींस देखना लुक लुक लुकड क्रो क्रोड क्रोड ड्राइड 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 बेंट 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 हाइड हिड हिडन हैज हेड हेड हैव हेड हेड ग्रो grown. ग्रोन गेट गोट गोटन went, gone. Give, give, given. और देखिए कुछ और बेस वर्ब्स हैं मेन वर्ब्स हैं जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जब आप चेंज करने जाते हैं तो रियली आपको कुछ चेंज ही नहीं करना होता और विद इन सेकेंड्स और आप कहें कि आपकी पूरी की पूरी एज के लिए आपकी वो मेमोरी में रहने वाली हैं आप कभी भी नहीं भूलेंगे तो कुछ एक ऐसी वर्ब्स हैं उनको आप पर्टिकुलरली लर्न कर लेंगे ध्यान रख लेंगे फॉर एग्जाम्पल कास्ट कास्ट मीन्स फैलाना देन शट बंद करना कट काटना पुट रखना बिड बोली लगाना कोस्ट कीमत तो इनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल या आप कहें सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी कास्ट से हमने पहले ही बता दिया है इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा ना सेकंड फॉर्म में ना थर्ड फॉर्म में आप कहें ना पास्ट में ना पास्ट पार्टिसिपल में सिंपली ऐसे के ऐसे ये रहती हैं ये तंग नहीं करती स्टूडेंट्स को क्या है कास्ट 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 शट 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 कट 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 पुट 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 बिड 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 कॉस्ट 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 स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी कोई चेंज नहीं होता सिमिलर रहती हैं सेम रहती हैं और हम हॉप करते हैं कि इस वीडियो से थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको काफी कुछ उनके बारे में सीखने को मिला होगा हमारी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात थैंक यू